का नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। कुछ योग जो है आयुर्वेद के संबंध में आपको बताते रहते हैं, तो उसी कड़ी में आज मैं एक योग आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आसान भी है, सस्ता भी है और आप इसको घर पर बना भी सकते हैं। ये योग जो है शीघ्र पतन में धातु जाना हो, वीर्य का पतलापन हो, नामर्दी हो, तो ऐसे सभी रोगों में ये योग बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो आप इसको बनाकर जो है इसका लाभ ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घटकों का हेर फेर नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई भावना देने का चक्कर नहीं है, कोई किसी किस्म का इसको पकाना नहीं है, तैयार नहीं करना है, सिर्फ इसको पाउडर फॉर्म में तैयार करना है, चूर्ण बनाना है। तो ये आपकी जो है सभी समस्याओं को दूर करेगा। इसके लिए आपको क्या लेना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँच सके आसानी से और आप हमारे बताए गए योगों से, हमारे बताए गए इलाज से लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का मार्केट से चूर्ण भी मिल जाएगा और सफ़ेद मूसली भी मिल जाएगी, तो चाहे तो आप चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूसली जो है असली हो, क्योंकि आजकल मार्केट में एक मैदे वगैरह से बनाई हुई मूसली है जो कि मुंह में अगर हम उसको लेते हैं तो उसकी परख आ जाती है कि ये मैदे वगैरह से बनी हुई है। तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि सफ़ेद मूसली अच्छी वाली हो, अच्छी क्वालिटी की हो। आप अंसारी को बोल दें कि रेट चाहे थोड़ा आप ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन मूसली हमें अच्छी क्वालिटी की जंगली मूसली चाहिए। तो सफ़ेद मूसली आपने लेनी है 100 ग्राम। मखाना ये भी आपको आयुर्वेद स्टोर से मिलेगा, मखाना लेना है आपने 200 ग्राम। और गोखरू लेना है आपने 300 ग्राम। तो ये तीन ही औषधियां हैं मेन, तो आपकी सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, गोखरू 300 ग्राम। अब सभी औषधियों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें आप बराबर मात्रा में शक्कर, बिना मसाले वाली शक्कर या मिश्री मिला के आप इसको किसी अच्छे कांच के या प्लास्टिक के जार में इसको स्टोर करके रख लें। और इसका एक एक चम्मच आपने दूध से लेना है सुबह शाम को, कड़े दूध से। तो आपने आपको इसका फायदा ये होगा कि शीघ्र पतन में आपको लाभ करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको लाभ करेगा। जिनको उत्तेजना की कमी है या उत्तेजना बीच बीच में कम हो जाती है, ऐसे रोगियों को ये बहुत अच्छा लाभ करेगा। जिनका वीर्य कम बनता है ऐसे रोगियों को बहुत अच्छा लाभ करेगा। और जिनको दांत जाती है या सपन दोष है या बहुमूत्र रोग है, पेशाब बार बार आ रहा है, ऐसे रोगियों को बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो आप इसको बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को शुगर की समस्या है तो वो मिश्री या चीनी खांड वगैरह इसमें ना मिलाए, फिर इसको आप ऐसे ही एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, बिना मिश्री और बिना शक्कर मिलाए फीके दूध से ले सकते हैं। तो इसके ज़बरदस्त फायदे हैं, ज़बरदस्त लाभ हैं। आप इसको बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। और आप जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगता बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।